हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। चलिए आज कुछ स्पेशल सी रेसिपी बनाते हैं जो कि हमारे दाल चावल या खाने के स्वाद को दुगना कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं हरी मिर्च की एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाऊंगी जो आप किसी भी खाने के टाइम बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को लिया है। मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहें तो पतली हरी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें मैंने इनको अच्छे से धो के सुखा लिया है, बिल्कुल कपड़े से पूछ लिया था। अब हम इसको कट करेंगे। आप चाहें लंबे गोल कैसे भी स्लाइसेस में कट कर सकते हैं, मोटा पतला या फिर एक समान कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें इसको जिस भी तरह से कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, आप कभी भी बना के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं, और जब कोई सब्जी घर में ना हो आप तब भी बना के इसे इजीली से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने हरी मिर्च को अच्छे से कट कर दिया है, और इसी प्रकार से हम सारी हरी मिर्च को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते देखिए मैंने सारी हरी मिर्च को लगभग कट कर दिया है। तो फ्रेंड चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और गैस पे एक पैन रखते हैं। पैन को ध्यान रखिए, पैन थोड़ा मोटे तले का हो तो अच्छा है, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है, और पैन में 1 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। इस रेसिपी को आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की बनी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, 1 पिंच के लगभग मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे, या फिर आप दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से तड़कने लगी हैं, और तड़कने के बाद इसमें 1 से 2 पिंच के लगभग हम हींग ऐड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आधी प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, उसको ऐड करूँगी। इसको हमें पिंक होने तक भूनना है, इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी प्याज हल्की सी पिंक होने लगी है। अब हम इसमें हरी मिर्च को ऐड करेंगे, जो हरी मिर्च हमने कट करके रखी थी। हरी मिर्च को भी हमें यहाँ पूरी तरह से पका लेना है, इसको हल्का सा भी कच्चा नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी हरी मिर्च धीरे धीरे पक रही है। इस स्टेज में हम इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियों को ऐड करेंगे, उसे भी हम हरी मिर्च के साथ ही अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें आधा कप के लगभग मूंगफली ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर रोस्टेड मूंगफली को पहले से छिलका उतार के लिया है। आप चाहें तो मूंगफली को रोस्ट करके फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, या छिलके के साथ भी मूंगफली ऐड की जा सकती है। अब हम इनको सारी चीज़ों को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चीज़ें धीरे धीरे भूनती जा रही हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इनको अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चीज़ें अच्छे से भुनने लगी हैं, और चीज़ें जब भुनने शुरू हो गई हैं तो उन पर एक अच्छा सा कलर भी देने लगी है। फ्रेंड्स, बस हमें इसे इतनी देर तक ही भूनना था, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें 1 से 2 तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, हम एक मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें इसको लिड लगा के इसको ग्राइंड करना है। एक बात का ध्यान रखना है, हमें इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसको जर जरा सा ग्राइंड करना है। लास्ट में हम इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू के रस को हम बीज निकालने के बाद ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा जो रेसिपी है वो बिल्कुल कड़वी हो जाएगी, क्योंकि नींबू का बीज पीस जाएगा, उस कारण से रेसिपी का स्वाद चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आधा नींबू का रस को ऐड कर दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड हमें कोर्स ग्राइंड करना है, या कि मतलब इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं करना, इसको जरजरा सा रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, आप देख रहे हैं ना मैंने इसको कोर्स ग्राइंड किया है, इसको बिल्कुल जरजरा रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने रेसिपी की प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्लेट लेते हैं और अपनी मोटी हरी मिर्च की चटनी को इसमें सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है, मेरे घर में ये चटनी हमेशा बनती रहती है, और खाने में तो लाजवाब होती है। जब घर में सुबह सुबह रोटी के या परांठे के साथ खाने के लिए कुछ नहीं होता है
तो इस चटनी को बनाइए और इसका आनंद उठाइए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए और इस मौसम में अपना ध्यान जरूर रखिए।